दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी एक सुंदर वीडियो में, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के एक सुंदर गांव की सैर करवा रहा हूं। दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सूर्य उदय का एक सुंदर दृश्य, जो दो पहाड़ियों के ऊपर से प्रकृति के सुंदर सौंदर्य को निहार रहा है। यह सुंदर दृश्य सूर्य उदय का आप उत्तराखंड के इन सुंदर गांवों से देख सकते हैं, जो ये सुंदर सीढ़ी नुमा खेत भी आपके मन को मोह लेते हैं। और सुबह जब सूर्य की छटा, सूर्य की किरणें इन मकानों पे पड़ती हैं, तो दृश्य अति मनमोहक हो जाता है। दोस्तों, यह गांव पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबो ब्लॉक के पालीकंडार सिंह पट्टी में स्थित पटोटी गांव है, जो कि प्रकृति के सभी सौंदर्यों को अपने आंचल में समेट कर बसा हुआ है। और यहाँ से ही ये नदी बहती है और यहीं से इस नदी का भी उद्गम होता है। और ये सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ के कुल देवताओं के मंदिर हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे पटोटी के एक छोटे से दूसरे गांव में, और उसका नाम है टट। तो ये सड़क सीधी तट तक जा रही है और ये हमारे परिवार है यहाँ भी। जो पुराने लोग थे, उन्होंने इस प्रकार से जो भाई भाइयों की बांट हुई होगी, उनमें से एक भाई ये जो टट पुल की जगह है वहाँ चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ की खेती संभाली होगी। तो इस प्रकार से गांव में चलती थी ये बंटवारे की प्रथा, तो उन्होंने वहाँ अपना मकान बना दिया होगा, तो आज वो लोग वहाँ रह रहे हैं। इस तरह से गांव में भाइयों के खेत के बंटवारे होते थे। ये जो पौधे हैं, इन्होंने सब जगह जो है जंगलों का एकदम विनाश कर दिया है, और आज यहाँ भी देख रहा हूँ कि हमारे गांव में भी ये पौधे उगने लग गए, कि जो कि जंगलों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। और इन्होंने भी यहाँ भी खेती जो बंजर छूट गई, या जहाँ लोग अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों में ये पौधे उगने लग गए और धीरे धीरे ये अब कब्जा कर लेंगे ये।
बहुत ही खतरनाक पौधे होते हैं। वो नीचे भी देखिए सब उग आए हैं, वो सारे और पौधे इतनी जल्दी नहीं उगते, लेकिन ये इतनी जल्दी फैल जाते हैं कि इनको समय भी नहीं लगता। तो ये बहुत ही खतरनाक है ये हमारे खेती के लिए। देखिए किसी जमाने ये खेत भी ऊपर जो थोड़ा बहुत दिख रहे हैं आपको, ये भी आबाद हुआ करते थे, खेती होती थी इनमें। लेकिन आज पलायन की मार झेलते हुए ये खेत भी बंजर पड़ गए, और अब इन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। और इस प्रकार से ये झाड़ ये इन पे फैल गया। नीचे सारे खेत थे लेकिन अब जंगल सा बन गया, इन जाता ही नहीं है। गांव के नीचे की खेती तो कर रखी है लोगों ने, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ जंगली जानवर आज इतने ज़्यादा हो गए कि लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस खेतों की पैदावार का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो यही यहाँ के लोगों की मजबूरी है कि खेत छोड़ने पड़ जा रहे हैं, सिर्फ मेहनत रह जाती है। लेकिन ये हमारा पटोटी गांव है, गांव का ये एक तरफ का ये खेती दिख रही है, दो चार मकान दिख रहे हैं, लेकिन ये इस पहाड़ी के पिछली तरफ गांव है और खेती कर रखी है लोगों ने थोड़ा बहुत। लेकिन ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये माथोली गांव है। यहाँ भी दूर से तो खेत बहुत हरे भरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की भी समस्या वही है कि भाई सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और जानवर खा जाते हैं। क्या पटोटे का सा तुम्हें काम तुम्हारे मकान क्या नोते यार पिताजी दीपक सिंह अच्छा दोनों क्या था प्रताप सिंह अबे प्रताप सिंह अच्छा दीपक नाम से तो काकी सार रहे की काक ना है काक रहे थे आप पिताजी हिसार। हाँ मैं गाय छो थे एक दो मिल ना तो हिसार पर वो मैं उसको ढूंढता रह गया, वो मेरे को ढूंढते रह गए। कह पूछना कि तुम थे मदन चाचा बॉर्डर मिलोड़ का छो कभी सार बालम बिरान दो बालम है ना तो बाल माई अक भी गोमी और त्यार पिताजी अक भी पर त्यार पिताजी आदमी को फोन कर दी रह गया तो बस अड्डा बुलाना तो मैं बस अड्डा पहुँच रहा हूँ तब भी दूसरे जग से जान रहे। फिर भी लास्ट में बोल मिलोल बुला चल कोई बात नहीं बाद में मिलोल लगा कथी बकरा सी तुम्हारा अच्छा तो आज स्कूल है छुट्टी तेरी अच्छा 12वीं कर रही तेला अच्छा तो और पढ़ने को हिसार चल देती। हाँ बेटे पढ़ाई करो ठीक है।